इंजेक्शन से बिना ही जाने के मामले पर निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि अशोक चश्म के वाकयात पर कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में जामे रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि आँखों के इंजेक्शन की शिकायत मुल्तान, कसूर और फैसल आबाद से भी आई थी। सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुख्तलिफ जावियों से उसकी तहकीकात जारी है, मरीजों के नुकसान का अजाला करेंगे, उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। चाहते हैं कि सेहत के शोबे में बेहतरी आवाम को नजर आए। वाकया की तहकीकात के बाद फाइनल स्टेटमेंट जारी करेंगे। निगरान वफाकी वजीर सेहत का मजीद कहना था कि इंजेक्शंस को मार्केट से उठा लिया गया है, जबकि 2 सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो गया है। निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि ये टीका 100 मिलीग्राम का है। ऐसे वाकयात कसूर और सादिक आबाद में भी हुए। इस वक्त मरीजों की तादाद 14 से 20 के दरमियान है। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि हमने सबसे पहले नवीद और हाफिज बिलाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये बड़े जालिम लोग हैं, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए तक कमा रहे थे।